Hi guys, I am Diya and you are watching your favorite channel. तो guys, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस टी शर्ट से एक ब्यूटीफुल सी चीज़ बनाना. तो आज हम इसे बनाएंगे ब्यूटीफुल रोज, रेड रोज. तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिप कट करनी है. तो फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रिप कट कर ली है जो कि 30 सेंटीमीटर लंबी है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है. तो पहले ये ऊपर का जो कॉर्नर है इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए. ठीक है, देखिए मैं फिर से बताती हूँ. ये जो ऊपर वाला है कॉर्नर जो ऊपर का है, इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लीजिए. इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा. इसको हमने इस तरह से रोल करते जाना है. ठीक है, फिर हमने इसको फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ से यूं फोल्ड कर देना है और फिर से रोल करते जाएंगे हम. ठीक है, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो. अगेन इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से रोल करते रहेंगे साथ में. अगेन फोल्ड, फिर से इसको रोल. तो इस तरह से करते करते हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो देखिए हम इसको धीरे धीरे करके फोल्ड करते जा रहे हैं और दूसरे हाथ से हम इसको रोल भी करते जा रहे हैं. थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर शेप में नहीं आ रहा है या ये फोल्ड ये या फिर इसको रोल करने में हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप इसको फोल्ड थोड़ा और अलग से करके देख लीजिए थोड़ा सा. तो देखिए इस तरह से हम इसको करते जाएंगे और ये हम जो रोजेस बना रहे हैं ये हम डिफरेंट तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं. वो किस तरह से मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में. तो आप हमारी वीडियोस देखते रहिएगा. और ये देखिए अब हमारा रोज़ भी लगभग बनकर तैयार हो गया है. ये देखिए, तो पीछे से इसको हमें थोड़ा सिक्योर करना पड़ेगा ताकि ये खुले ना. तो ये देखिए पास करके दिखा रही हूँ मैं, कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना, सच में कितना ब्यूटीफुल. तो अब हम इसको पीछे से थोड़ा सिक्योर करेंगे. उसके लिए हम एक थ्रेड लेंगे, हम इसको नीडल में डाल लिया हमने. अब हम इसका जो हमने लास्ट में जो एज था ना, जो लास्ट का जो इसका किनारा था उसको हमने सील देना है इस तरह से ताकि ये सिक्योर हो जाए और हमारा रोज़ ख़राब ना हो. तो इस तरह से हम इसको 2-3 टाइम्स इस तरह से इसमें से नीडल पास करेंगे और इसको एक नॉट से हम अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे. इस थ्रेड को सीजर से कट कर लेंगे. थोड़ा सा इसको हम अपनी फिंगर्स से एडजस्ट कर लेंगे ताकि प्रॉपर शेप में आ जाए. ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ ये कितना सुंदर लग रहा है ना. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो फ्रेंड्स, देखिए हमने बचे हुए कपड़े से किस तरह से ब्यूटीफुल सा रोज़ बनाकर तैयार कर दिया है. आप भी इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. मुझे ये बहुत सुंदर लगा. आप प्लीज़ आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे. और देखिए
इस तरह से मैंने कुछ और रोजेज बनाए हैं जिनका आगे वीडियो में मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि किस तरह से मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।